तो बेसिकली काफल का पेड़ है, आप सभी को पता ही होगा जो पहाड़ में रहते हो ना, तो पता ही है। तो ये है एक काफल का पेड़, और ये गेस्ट सीट है हमारी, ये वाली, ये दिव्या का घर है, और ये यहाँ पे मेरा घर है। तो हम लोग बचपन में इस पे क्या करते थे, इस पे चढ़ के हम लोग अपने अपना शॉप खोल लेते थे फेक, या हमारा घर होता था ये, या जो भी स्टोरी बन जाए तो रोल प्ले। तो ज्यादातर हम लोग पान वाले और सिगरेट वाले बनते थे, लकड़ी की सिगरेट हम लोग एक दूसरे को बेचा करते थे, और पत्तों के बीच में काफल के दाना लपेट के हम लोग पान बना लेते थे। तो आज मैं काफी टाइम के बाद अपने बगीचे में आ रही हूँ, तो इसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा और मेरी दिव्या का, मेरी बहन का घर हुआ करता था, और ये हमारा गेस्ट सीट होती थी, और गेस्ट सीट बहुत अच्छी थी। तो एक दिन मुझे याद है कि बैठने जैसा हो जाता है ना, यहाँ पे एक चेयर सी बन जाती है फिर। तो एक बार हमारी एक फ्रेंड थी कब्बू करके, वो आई हुई थी हमारे साथ, खेल रही थी, और वो यहाँ से नीचे गिर गई थी, और उसने अपने घर पर नहीं बताया, नहीं तो उसे डांट पड़ती। और इस पेड़ के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे घर पर बहुत सारे नेपाली मजदूर काम किया करते थे बचपन में, तो उनके बच्चों के साथ हम खेलते थे, वो हमें सिखाते थे कि पेड़ पर कैसे चढ़ना होता है और कैसे सब कुछ होता है। तो हमारे घर पे एक फैमिली रहती थी नेपाल की, तो वो लोग हमारे यहाँ पे काम वाम किया करते थे, उनकी बच्ची थी भारती। तो जब मैं बचपन में हल्द्वानी पढ़ती थी, और फिर मैं यहाँ पे अचानक से वापस आई, तो मुझे ज़्यादा पेड़ वेड़ पर पे चढ़ना नहीं आता था, तो भारती ने मुझे पेड़ पर पे चढ़ना सिखाया था, इसी पेड़ पर पे। तो इस पेड़ के साथ बहुत कुछ ज़्यादा ही मेमोरीज जुड़ी हुई है, लाइक बहुत ज़्यादा। और हाँ, हम लोग जब वो खेल रहे होते थे ना घर घर, तो हम लोग जब भी शॉपकीपर बनते थे या कुछ भी, तो हम लोग भोजपुरी में बात करते थे। वो क्यों करते थे पता नहीं, शायद टीवी में हमने देखा था कि सारे एड्स में जो पान वाले भैया होते हैं वो भोजपुरी में बात करते हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ किराएदार रहते थे टीचर्स, तो हमने उनसे भी भोजपुरी एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश की थी। तो मतलब हम जब भी पान वाले और सिगरेट वाले बनते थे, तो हम लोग हमेशा भोजपुरी में बात कर रहे थे। और हम लोग क्या करते थे, कुछ पत्थर लेके जाते थे, उन्हें टेलीफोन बना के पेड़ पे रख दिया, और हमारा प्रॉपर घर हुआ करता था, लाइक सब कुछ था, दो तीन आइटम छोटे मोटे से। और कभी कभी हम लोग यहाँ पे कुकरी शो भी खेलते थे, तो हम लोग वही मिट्टी विट्टी से कुकिंग किया करते थे, मिट्टी पत्ते कचरा जो मिल जाए। क्या होता है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ 10 दिन तक जो पूजा चलती है उसमें, उसके बाद में दिए वगैरह फेंक दिए जाते हैं बगीचों में, है ना। तो वो दिए यहाँ पे गिरे रहते थे बहुत सारे, दादाजी या किन्हीं लोगों की डेथ हुई थी तो दिए यहाँ पे फेंक दिए थे, तो काफी सारे थे, कई सालों तक पड़े हुए थे मिट्टी के दिए, तो उन्हें उठा लेते थे, तो वो हमारे बर्तन बन जाते थे, और मिट्टी पत्थर पत्ते काफल जो मिला वो ले लो और उसे पका लो, अटरम चटरम चीजें, और वॉइस ओवर दो, और हाँ, यहाँ पे झूला वूला भी डाल लेते थे। तो हाँ, तो बचपन बहुत बहुत अच्छा था।